भाई ये नया प्रोडक्ट आया रीलाइफ का, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अगर आपका फोन, आपका नहीं कस्टमर का फोन पानी में गिरा हुआ आपकी दुकान पे आता तो आपको ये यूज करना चाहिए। फ्रिज स्प्रे, अगर आपकी दुकान पे कोई सॉर्टिंग वाला फोन आता आपको रोजेन वाला सिस्टम गलत लग रहा था, तो ये फ्रिज स्प्रे है, मतलब उस पे मतलब स्प्रे करके और आप इसे हाफ सॉर्टिंग निकाल सकते हो। ओसी रिमूवर, अगर ओसी फोल्डर्स मतलब डिस्प्ले से रिमूव नहीं हो रही तो आपको ये यूज करना चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेम रिमूवर, अगर आपके पास एज वाले फोल्डर हैं या नॉर्मल हैं, यूनिवर्सल हैं या कैसे भी हैं, अगर आप किसी भी फ्रेम में से फोल्डर रिमूव करते तो आपको, कैसे हो आप सब, और सुनाओ सब घर पे ठीक ठाक है। भाई कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि जो उनकी ज़रूरत हमें होती है और वो चीज़ हमारे पास होने चाहिए, चाहे आप फोल्डर चेंज करने का काम करते हो या ग्लास चेंज करते हो या आप कोई भी बाटर में गिरा हुआ फ़ोन आ जाता है जिसके अंदर कुछ जंग जुंग लग जाता, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे थिनर्स होने हमारे पास जरूरी होने चाहिए और जिनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं होती, एक नॉर्मल सी कॉस्ट होती है, कोई ज़्यादा नहीं भी होती। मेरे पास ना कुछ ऐसे ही नए प्रोडक्ट आए, शायद अभी आपने देखे नहीं होंगे और मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो मैं पहले इन्हें फटाफट खोल लेता हूं। तो भाई देखो, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये कुछ प्रोडक्ट हैं और ये भाई कोई ज़्यादा कॉस्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये इन सब की कॉस्ट जो मेरे को पड़ी है, तो जो पड़ी है मैं रेट नहीं बताना चाह रहा। और जो ये प्रोडक्ट अगर आप किसी भाई को बाय करना, ये पार्ट फिक्सेस से आप बाय कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी बाय कर सकते हो इन चीज़ों को। देखो ये आप देख रहे होंगे पीसीबी मदरबोर्ड क्लीनर है ये। ठीक है, मतलब अगर कोई फ़ोन आपकी दुकान पे पानी में गिरा हुआ सेट आ जाए तो इससे परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, आप पहले पेट्रोल से साफ करते थे या किसी के क्लीनर से करते थे, कुछ चीज़ होती हैं जो चीज़ जिसके लिए बनी होती है वो उससे काम करोगे थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो ये वाला काम जो करेगा ये रीलाइफ का है और ये मदरबोर्ड क्लीनर है। इससे आप आईफोन कर सकते हो, लैपटॉप कर सकते हो और मोबाइल का कोई भी पार्ट्स, कोई भी कुछ कर सकते हो। इसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहेगा क्योंकि यार रीलाइफ तो एक अच्छा ही प्रोडक्ट है, नाम ही बहुत काफ़ी है सारा। एक ये चीज़ है आपका, अब आप देख रहे होंगे कि रोजेन का सिस्टम चल रहा है अभी, जो अभी हमने वीडियो बनाई थी रोजेन का शॉर्ट किलर, तो ये फ्रीज, इसे बोल सकते हो आप फ्रीज स्प्रे, मतलब जब इसे आप किसी मदरबोर्ड पे स्प्रे करोगे तो वो वाइट हो जाएगा। वाइट होने के बाद में आप किसी भी शॉर्ट किलर से इस फोन की किसी की भी शॉर्टिंग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सनशाइन का है, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि यार आज की डेट में जो भी किसी भाई की चॉइस होती है ना, वो चाहता है कि मैं कंपनी का प्रोडक्ट लूँ, जैसे सनशाइन हुआ, मैकेनिक हुआ, रीलाइफ हुआ और भी कोई, जैसे सुगम वगैरह वगैरह, तो इन प्रोडक्टों की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है और सब भाई ये चाहते हैं कि हम कंपनी का प्रोडक्ट लें और अच्छा लें, और लोग वागों को इन चीज़ों पे विश्वास होता है। एक चीज़ जैसे कि मैं विश्वास वाली बात होता हूँ, जैसे ERD का चार्जर होता, कितनी भी हमारी मोबाइल की शॉप है मार्केट के अंदर, हम सब जितने भी भाई दुकानदार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब दुकानदार ERD का चार्जर बेचते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया ERD का चार्जर है। लेकिन यार ERD के एक सबसे बड़ी माइनस पॉइंट ये है कि उसकी डाटा केबल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ERD वालों को भी ये भी सोचना चाहिए। चलो हम दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, जैसे ये हमारा है OC क्लीनर रिमूवर। ठीक है, आप इससे ये मैकेनिक का है और आप जो OC होती है, जब OC को लगाते हैं ना, वो साफ करके लगाओगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, कोई मतलब कोई बबल नहीं रहेगा। आप इस पर बहुत अच्छा वर्क करते हो। और देखो कई बार क्या होता है कि जब हम फ्रेम में से फोल्डर को निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत कठिनाइयों का सामना देखना पड़ता है, फ़ोन को ज़्यादा हीट करना है या कुछ, वैसे कुछ हम केमिकल डालते हैं या कुछ डालते हैं तो। लेकिन देखो ये मैकेनिक के केमिकल हैं, बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहेगा, आप इन्हें एक बार बाय करके देखो। और देखो ये जो है फ्लैट स्क्रीन फ्रेम रिमूवर, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि
भाई नाम ही बहुत है, नाम ही काफ़ी है इन चीज़ों का। आप अगर नाम की बात देखो तो फिर क्यों मैकेनिक, क्यों सनशाइन, क्यों रीलाइफ चलाते हो? ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है अच्छी होती है, और इनके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा यूज करने की, इसके ऊपर तो बनानी बनानी है मेरे को, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। क्योंकि अगर कोई शॉर्टिंग निकालनी है किसी मदरबोर्ड में से तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देता अगर होगा। कोशिश ये करूंगा कि रेट डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, और जो भी मैं रेट डालता हूँ ना या बताता हूँ अपनी वीडियो, वो घटता बढ़ता रहता। ये मत सोचो कि भाई भैया ने वीडियो में इतना बताया था या उसमें बताया था। मैंने सैमसंग की पहले एफ आर की वीडियो बनाई थी, उसमें 50 रुपये बताया था, लेकिन आज की डेट में देखो कि सैमसंग एफ आर भी 200 और 300 रुपये तक पहुंच गई है। तो ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। और यूनिवर्सल फ्रेम रिमूवर, ठीक है, इस अगर इसे आप बाय करते हो तो कोई भी फ़ोन हो आपके पास और कोई भी फ्रेम हो, कोई भी फोल्डर हो उसका, तो आसानी से आप इसे रिमूव कर सकते हो, फोल्डर को फ्रेम में से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और ये स्पेशल एज वालों के लिए, जो भाई एज का काम करता है और उन्हें आपने देखी भी होंगी एज का, कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम यूज करते हैं, या कुछ थिनर होता है, कुछ होता, बहुत सारी एज में परेशानी आती है हमें रिमूव करने में। बाकी मैंने तो किया नहीं है, तो बाकी मैंने देखा बहुत से भाई हैं मेरे जो काम करते हैं, उनको देखा, दिल्ली में भी देखा मैंने और पलवल में भी देखा अपने यहाँ, तो वो एज का जब काम करते हैं तो बहुत सारी कठिनाई। और अभी हाँ, हमें ना एक चाइना से ना स्पेशल मशीन भेजी जा रही है चाइना से, और जो निशान वाले भाई हैं उन्होंने भेजी है, उन्होंने स्पेशल मेरे से कांटेक्ट किया, और शायद देखते हैं 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में कोरियर आता नहीं आता हमारे पास, और कोशिश करेंगे कि एक यूनिवर्सल 360 डिग्री वाला बबर, मतलब वो स्प्रेटर है एक तरीका, बहुत ही अच्छा एज वालों के लिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ये एज वाला फ्रेम रिमूवर है, इससे आप अपना एज वाले जो भाई काम कर दें तो इसे एक बार ज़रूर रिक्वायरमेंट अपने ऐड करके देखें, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा इनका। तो ये सारी अगर कोई भी चीज़ आपको बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट फिक्सेस भैया से ये सारे प्रोडक्ट आए हैं उधर से, तो आप बाय कर सकते हो। और कोई भी चीज़ आप कहीं से भी परचेज करते हो ना, तो ये मत सोचो कि मेरे को बस ये प्रोडक्ट लेना 300 रुपये का, तो वो 300 रुपये का कूरियर कर देंगे, नहीं करेगा भाई कोई भी, मतलब 300 रुपये का ये प्रोडक्ट, तो वो सामने वाला कितना ले रहा होगा आपसे, 50 रुपये ले रहा होगा बस, इस पर इतना ही तो हो सकता है कि 250 रुपये की चीज़ हो 300 में बेच रहा हो, हो सकता है कि 280 रुपये की चीज़ हो 300 में बिक रहा, मतलब 20 रुपये, मतलब 20 रुपये के प्रॉफिट पे आपको ये कूरियर करा के भेजेगा, नहीं भेजेगा भाई, कोई नहीं भेजेगा यार, ऐसा कोई भी नहीं करता, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको बाय करनी है, आप रेट ट्राई करो मार्केट में, जहाँ से अच्छा प्रोडक्ट मिले वहाँ से बाय करो, और सारी एक चीज़ अपना एड टू कार्ड करके पेमेंट कर दो, सिंपल सा तरीका यही होता है, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।